हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड दोस्तों, फिर से स्वागत है सभी का फिस दैट रश की एक नए एपिसोड में। पहले सभी से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जब से टाउन हॉल 12 के बारे में न्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, तब से मैंने कोई एपिसोड नई बनाई नहीं है। तो आई एम सॉरी गाइज फॉर द डिले, पर कोई बात नहीं, नया एपिसोड हाजिर है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रश अकाउंट है तो प्लीज़ आप ये वाली सीरीज जो है ये फॉलो करें, आपको बहुत मदद हो जाएगी कैसे आप मैक्स करेंगे अपने रश बेस को। और दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज मैं सभी को देना चाहूँगा, क्योंकि जब से टाउन हॉल 12 अनाउंस हुआ है, मैंने मैसेज देखे या फिर बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े जो सब रश कर रहे हैं टाउन हॉल 12 के लिए। तो गाइज, ऐसा मत कीजिए, टाउन हॉल 12 के लिए रश करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप धीरे धीरे अपग्रेड कीजिए, आप एक टाइम में पहुंच जाएंगे। और अगर आप रश करेंगे, आपको पता है कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि टाउन हॉल 9 से टाउन हॉल 11 चले गए और अब 12 के लिए मूव करने वाले हैं। तो गाइज, आपको नहीं पता कि कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा इन फ्यूचर, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला ये सारे अपग्रेड्स आपको फिनिश करने में। तो गाइज, ऐसा मत कीजिएगा, मैं सभी को यही एडवाइस दूंगा, प्लीज़ कोई भी रश मत कीजिएगा, इतना ज़्यादा रश मत कर दीजिए कि बाद में आपको अकाउंट खेलने में प्रॉब्लम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत चीज़ें हुई, नई चीज़ें हुई जब तक मैंने ये एपिसोड कवर नहीं करा था। तो सबसे पहला जो चीज़ मैं मेंशन करूँगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 5th बिल्डर अवेलेबल होता है वो मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया है। मतलब अब हमारे पास सारे के सारे बिल्डर्स अवेलेबल हैं ये वाली रश अकाउंट में। तो 2000 जेम, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने चैम्पियन मूव करा चैम्पियन लीग और वहाँ से जेम्स हमें मिल गए और उसी के साथ मैंने परचेज कर लिया ये 5th बिल्डर। तो गाइज, और अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या सीन चल रहा है। अभी देख सकते हैं आप, 3 बिल्डर्स बिजी हैं, 2 बिल्डर मेरे कर रहे हैं बैरक्स कर रहे हैं एलेक्सियर बैरक्स, और 1 बिल्डर मेरा किंग को अपग्रेड कर रहा है। और गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन जो है लेवल 10 की हो चुकी है और किंग भी लेवल 10 को मूव कर रहा है। तो दोस्तों, आई गेस मैंने 3 या 4 लेवल के हीरोज से शुरू करे थे और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 10-10 के हीरोज में। तो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं हम लोग और आर्मी कैंप सारे हो चुके हैं। बारी बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, और दोनों यहाँ पे जो डार्क लिक्विड बैरक है वो हमारे लावा हाउंड तक अनलॉक हो चुके हैं। तो अभी गाइज, आज का जो एम है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2 बैरक्स ऑलरेडी अपग्रेड चल रहे हैं तो मैं नहीं चाहता और कोई बैरक्स को अपग्रेड में डालूं, क्योंकि ट्रूप्स जो ट्रेन होने का टाइम है वो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी हमारे लिए। तो 2 बिल्डर्स फ्री हैं, मैं आपको एम बताता हूँ क्या है। एक हमारा जो बिल्डर है वो जाएगा डार्क एलिक्सिर स्टोरेज में, क्योंकि अभी हीरोज़ को और अपग्रेड करना है तो हमें डार्क एलिक्सिर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ जो मेरा दूसरा बिल्डर जाएगा वो एक्सबो में जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक्सबो क्यों अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप पहले सारे बाकी स्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करें, उसके बाद अपने डिफेंस को अपग्रेड करें, पर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता है हैमर जैम एक इवेंट चल रहा है और ये आधे दिन में हो जाएगा, मतलब ये 8 दिन का काम 4 दिन में कर देगा, तो इसका फ़ायदा थोड़ा उठाएंगे हम लोग इस बेस में भी। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे अच्छा खासा हमारे पास एलिक्सिर और गोल्ड है और डार्क एलिक्सिर भी बहुत खास इतना कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो चलिए 2 अटैक करते हैं, थोड़ा सा और लूट गेन करते हैं। अभी हमारे पास 5-स्टार बोनस भी अवेलेबल है, तो ये 5-स्टार बोनस जो अवेलेबल है यहाँ से हम लोग कलेक्ट करेंगे और अपग्रेड जो हमारे हैं शुरू करेंगे। तो चलिए अटैक में सर्च करता हूँ और देखते हैं कब तक हमें एक अच्छा खासा बेस मिल जाता है यहाँ पर। और दोस्तों, आपके पास कोई भी क्वेरीज है ये फिक्स दैट रश की सीरीज़ को लेकर, कि आप पर्टिकुलरली कौन से टाउन हॉल में हैं, आपको क्या चीज़ें ऊपर फोकस करनी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज लीव कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। वैसे बेसिकली मैं सारी चीज़ों को कवर करता हूँ कि ये चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये चीज़ें आपको पहले करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर मैं कुछ भी मिस करता हूँ तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की भरपूर कोशिश करूँगा। और गाइज, फिर से मैं वही मेंशन करूँगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग कोई भी टाउन हॉल 12 की वजह से रश मत कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको अगर नहीं पता, अगर आप टाउन हॉल 11 के प्लेयर हैं तो बिल्डिंग्स अपग्रेड करने में 10-10, 12-12 दिन लग जाते हैं। इवन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो 14 डेज लगते हैं। लैब में आप कुछ भी अपग्रेड करने जाएंगे, आपको मैक्सिमम सारी चीज़ें 14 डेज लगेंगी अपग्रेड करने में, तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, बदतर हो जाएंगी अगर आप इतनी ज़्यादा रश कर देंगे तो। पर फिर भी आपका मर्ज़ी है, एट लास्ट आप खुद अपने मर्ज़ी के मालिक हो, पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इतना ज़्यादा रश मत कर दो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो गाइज़, यहाँ पे एक अच्छा खासा लूट मिला है हमें, तो ज़रूर करना चाहिए, कौन बेवकूफ होगा जो इतना बड़ा लूट छोड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्पैम करेंगे, मैं तो यही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिनों से। यहाँ से हम बलून्स को स्पैम कर देंगे, एक लावा हाउंड यहाँ, एक यहाँ, अपने क्लैन कासल बलून्स यहाँ, और उसके बाद हमारे जो मिनियंस हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे मिनियंस, जो कि हमारा जो लूट के लिए सबसे मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, जो कलेक्टर्स एंड बाकी लूट है जो बेस को क्लियर करना होता है, बाकी ट्रैश को वो क्लियर करेंगे। और यहाँ पे क्वीन बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही है तो मैं क्वीन को पॉइजन कर लूँगा, इसलिए मैं एक पॉइजन स्पेल लेके आता हूँ। अगर क्लाइन कासल से कुछ निकलता है तो बढ़िया, अगर नहीं निकलता है तो हमको क्या करना है, हमको क्वीन को पॉइजन करना है, क्योंकि क्वीन बहुत बड़ा थ्रेड है बलून्स के लिए।
तो वो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वीन पॉइजन में है, पर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी मिनियन टारगेट नहीं ले रहा है क्वीन को, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। अभी भी बहुत सारा लूट बचा हुआ है बेस में, खास करके गोल्ड काफ़ी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और हमारे बलून्स जो है वो सारे टारगेट हो रहे हैं। ओहो हो, ये बहुत गलत बात हो गई गाइस, सारे बलून्स हमारे टारगेट हो गए क्वीन के, मतलब क्वीन ने सारे बलून्स को टारगेट करके डाउन कर दिया। पर कोई बात नहीं, हमें जो लूट मिला है वो कोई खासा बुरा नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड माइंस हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्वीन को यहाँ पे डिप्लॉय करूँ और थोड़े जो गोल्ड एक्सेस गोल्ड है थोड़ा यहाँ से मैं ले पाऊँ। तो नॉट बैड गाइज, नॉट बैड, बट बहुत अच्छा भी नहीं हुआ अटैक, और डेड बेस था मेरे ख्याल से, तो और हमें अच्छा करना चाहिए था। पर स्पैम लालून से ऐसा ही होता है, कभी कभी आपके अकॉर्डिंग जाते हैं ट्रूप्स, कभी कभी नहीं जाते हैं। एक बहुत ब्रेव लावा पप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाउन हॉल को टारगेट लिए हुए हैं, पर पता नहीं, टाइम तो बहुत है हमारे इस अटैक में, आई गेस हो जाएगा, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, देखते हैं। आप कमेंट्स में बताना क्या पॉसिबल है। 1 मिनट एंड ओहो, इसके चक्कर में मैंने क्वीन की एबिलिटी यूज़ नहीं करी, कोई बात नहीं, वैसे भी क्वीन कुछ खासा करने वाली थी नहीं, पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्या ये लावा पॉप कर पाएगा, ये टाउन हॉल को डाउन कर पाएगा इन 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लावा पॉप आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप। बहुत लंबा टाइम लगने वाला लावा पॉप को, मेरे को पता नहीं, मैं 50-50, अभी तो मेरे को लग रहा है 50-50 चांसेस हैं, मे बी हो मे बी ना हो, पर टाउन हॉल की हेल्थ कम तो हो रही है, पर इतनी स्लोली कम हो रही है कि आई गेस हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा वैसे बहुत एक बड़ा और लूट अमाउंट यहाँ से हमें मिलने वाला है। यस 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 पप, ओ हो शाबाश लावा पप, शाबाश। तो बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पे लावा पप ने, टाउन हॉल को डाउन किया और हमें सेकेंड स्टार भी दिलाया, उसी के साथ हमें अच्छा खासा लूट भी दिलाया, तो बहुत अच्छी बात है। और एक और लूट में जाएंगे हम लोग, और एक लूट करने के बाद हमारा शायद आराम से जो हमारे अपग्रेड्स हैं वो भी हो जाएंगे, और हमें 5-स्टार बोनस जो है वो भी मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। तो चलिए मैं काम करने वाला हूँ, यहाँ पे हमारे आर्मी तो रेडी है, हमें सिर्फ क्लैन कासल ट्रूप्स चाहिए, और क्लैन कासल ट्रूप्स मैं जिम्स यूज़ करने पड़ेंगे थोड़े, 6 जिम्स, कोई बात नहीं। लून पॉइजन फटाफट मैं ले लेता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे पास पॉइजन नहीं है, मैं हेस्ट पे ले लूँगा, नॉट बैड एट ऑल। चलो क्वीन को थोड़ा हील करने में टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 4 जेम्स, मतलब टोटल 10 जेम्स मैंने स्पेंड करे हैं। चलो कोई बात नहीं, 10 जेम्स हम अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए सेकंड अटैक में चलते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इस वाले अटैक को मैं 3-स्टार कर पाऊँ, ताकि मेरे को जो 5-स्टार बोनस है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि 5-स्टार बोनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी, क्योंकि अभी जो 4x बोनस मिल रहा है उसकी वजह से जो लूट का अमाउंट है वो बहुत ह्यूज है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर मेरे को मिल जाती है, पर आई डोंट नो, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज मैं फिर से वही बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहेगा रिगार्डिंग कोई भी टाउन हॉल, अगर आप टाउन हॉल किसी भी टाउन हॉल से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि कैसे आप रश अकाउंट को फिक्स करें और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज यहाँ पे एक बेस और मिला है हमें, पर मेरे को लग नहीं रहा कि इसे 3-स्टार करना इतना आसान होगा। ईगल आर्टिलरी है, इन्फर्नोज हैं, हीरोज़ भी डिसेंट लेवल के हैं, तो इसे स्किप करते हैं। मैं एक ऐसा बेस सर्च करूँगा जिसे हम लोग इजीली 3-स्टार कर सकते हैं, इजीली 3-स्टार कर पाएंगे, तो हमें 5-स्टार का जो बोनस है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कब तक मिले बेस। ये रहा, ये बेस मेरे को लग रहा है 3-स्टार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फर्नो वगैरह नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये रहा गाइज बेस, चलिए हम लोग चलेंगे अटैक पे। तो यहाँ से मैं बलून्स को स्पैम करूँगा, वेरी नाइस, और यहाँ पे एक लावा और क्लैन कासल बलून्स यहाँ पर मिनियंस को ड्रॉप करेंगे। सीसी से विजर्ट्स निकले हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है मेरे बलून्स के लिए, पर कुछ नहीं कर सकते हम लोग फिलहाल, ठीक है। मैं रेज कर दूंगा यहाँ पे अपने बलून्स को, पर बहुत 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 गंदी वाली बात हो गई, यहाँ पे सीसी से विजर्ट्स निकले हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी मेरे बलून्स के लिए। देखते हैं पर कितना दूर जा पाते हैं, मैंने सोचा था कि ये वाली अटैक अगर ठीक ठाक हो जाए तो हम आई गेस अपनी जो एम है वो पूरी कर लेंगे, पर मेरे ख्याल से हो ना पाएगा, क्योंकि सीसी के विजर्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज दिए मेरे बलून्स को, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई मेरे लिए। चलो कोई नहीं गाइज, अटैक तो 3-स्टार नहीं हो पाया, पर चलिए देखते हैं कितना लूट हमें मिल पाएगा यहाँ से। आई गेस थोड़ा बहुत मिल जाएगा, पर अटैक ठीक ठाक नहीं हुआ, मेरे को पहले फनल कर लेना चाहिए था, मेरे ख्याल से अच्छे से सीसी को किल कर लेना चाहिए था, पर मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मेरे को लगा नहीं था कि क्लैन कासल से कुछ निकलेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये इनएक्टिव टाइप का बेस है, डेड बेस नहीं था, पर मेरे को लग रहा था इनएक्टिव है, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं निकलेगा क्लैन कासल से, तो वहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, पर कोई बात नहीं, नॉट बैड। तो क्योंकि हमें यहाँ पे 3-स्टार बोनस नहीं मिल पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अटैक और करूँ, ताकि मेरे को 3-स्टार बोनस जो है वो मिल जाए। यहाँ पे डिसेंट लूट मिल जाएगा मेरे को वो लग रहा है जितना, क्योंकि मिनियंस अभी भी बचे हुए हैं और क्लीन अप करेंगे, और ज़्यादा बेस को क्लीन अप करेंगे।
जल्दी जल्दी मिनियंस, जल्दी कम ऑन मिनियंस, मिनियंस मिनियंस चेयर द मिनियंस। अभी भी बहुत सारा डिसेंट लूट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो तीन कलेक्टर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे डार्क लेक्स ड्रिल पड़ा हुआ है, तो मैं वेट करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे ट्रूप ट्रेन होने में भी हमें टाइम लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम आराम से यहाँ पे पूरा काम फिनिश करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। पर ये वाला बेस को मेरे को 3 स्टार करना चाहिए था, क्योंकि इतना डिफिकल्ट बेस था नहीं, पर सीसी से विजिट्स निकले, वहाँ पे थोड़ा पैनिक कर गया मैं, और मेरे ख्याल से मैंने क्वीन की एबिलिटी भी यूज़ नहीं करी थी, आई डोंट नो, बट मेरे को लग रहा है ऐसा। चलिए जल्दी मिनियंस अपना काम कीजिए, अपना जलवा दिखाइए, और जैसे ये ड्रिल ले लेगा वैसे मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे को नहीं लग रहा कुछ मिल पाएगा। मैं तो लूट नॉट बैड, लूट डिसेंट मिला है हमें, पर फिर भी 3 स्टार कर लेते हम लोग इस बेस को तो हमें 5 स्टार बोनस मिल जाता, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटैक में हम लोग चलेंगे, वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 स्टार अटैक जो है वो। ओहो हो, मैंने ट्रूप ट्रेन नहीं किया, ये बहुत गंदी बात हो गई, ये बहुत गंदी बात हो गई गाइस, क्योंकि अगर मैं ट्रूप ट्रेन कर लेता तो बहुत अच्छी बात हो जाती। तो एक काम करते गाइस, जब तक कि मेरा ट्रूप ट्रेन ना हो जाए मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, और जैसे ही मेरा ट्रूप ट्रेन हो जाएगा और हम लोग रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर से वापस आता हूँ इन 3 काउंट, 3 2 1। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, सारे आर्मी जो हमारे हैं रेडी हो चुके हैं, इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ फिर से। तो चलिए अटैक करते हैं, और होप श्योर इस बार 2 स्टार हो जाए, एटलीस्ट 2 स्टार चाहिए हमें, ताकि हमें 5 स्टार बोनस मिल जाए और हम अपने अपग्रेड जो हैं वो फिनिश कर पाएँ। तो वैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लूट की उम्मीद नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2 स्टार में सिक्योर करूँ, मेरे को कोई ज़्यादा लूट से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बेस पर अटैक करूँगा जैसे कि ये बेस मेरे को मिल गया, और डिसेंट सा एलिक्सिर लूट भी है, और इस बेस में हम लोग शायद से आराम से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करूँगा, यहाँ से पहले थोड़ा मिनियंस डिप्लॉय करते हैं, ताकि बिल्डर हट थोड़ा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि बाकी हमारे जो मिनियंस हैं वो कोर में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बलून्स को स्पैम कर दिए हैं, ये रहा एक लावा हाउंड, ये एक लावा हाउंड, और बाकी सारे अपने क्लैन कासल के बलून्स को डिप्लॉय कर देते हैं, एंड लिटरली सारे कुछ मैंने डिप्लॉय कर दिए। अब हेयर स्पेल की मदद से हम कोर में डालेंगे अपने बलून्स को, एक रेज यहाँ, एक रेज यहाँ, होप श्योर ये वाली अटैक जो है वो सक्सेसफुल अटैक होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरे को, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो रेड है वो हम सक्सेसफुल रेड होने वाली है, और 3 स्टार शायद से हम अचीव कर लें इस वाली रेड में, एंड हमारी जो सारी प्रायोरिटीज़ हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी जैसे ये अटैक जो है 3 स्टार हो जाएगा। लास्ट वाला जो रेज है वो डिप्लॉय कर दिया है, हमारे सारे बलून्स रेज्ड है, एक लावा हाउंड अभी भी टैंक कर रहा है हमारा एयर डिफेंस के लिए, और स्प्लिट हो गया, एक लास्ट वाला लावा हाउंड जो है वो भी स्प्लिट हो गया। और गाइज यस यस यस, ये 3 स्टार अटैक है, और जैसे ये 3 स्टार कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम अपने ब्रिगेड्स भी लगा देंगे, और 5 स्टार बोनस भी मिल जाएगा, और लिटरली सब कुछ हो जाएगा जो अभी तक हमने सोच रखा था। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है, पर गाइज होप श्योर आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फटाफट ये अटैक फिनिश करते हैं, और उसके बाद अपने अपग्रेड जो है वो डाल देते हैं। बहुत दिनों बाद फिक्स दैट रश वाली एपिसोड बना रहा हूँ, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, और गाइज प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है। और गाइज जो मेरा नेक्स्ट सीरीज़ है इंजीनियरिंग टू मैक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग अकाउंट्स सब ऑलमोस्ट बंद होने वाले हैं, तो वो वाला सीरीज़ में उस पर काम करना शुरू करने वाला हूँ, तो वहाँ पे भी एक बार मेरे को बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे हम अपने जो लूट है वो यहाँ से उठाते हैं, एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने एपिसोड के फर्स्ट में बोला था कि मेरी एम रहेगी ये वाला एक्सबो, अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब मैं अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ गाइज़, ठीक है ना, मैं अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ, जो अपने चीज़ें मैंने अपग्रेड करने की सोची थी थोड़ा माइंड चेंज कर रहा हूँ। पहला वाला जो मेरा बिल्डर जाएगा वो तो यहीं पर जाएगा, ये डार्क स्टोरेज अपग्रेड करेगा, ये रहा मैंने डाल दिया यहाँ पर, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 आवर एंड 20 मिनट्स बाद में एक बिल्डर और फ्री होगा, तो एलिक्सिर हमारा सेव है, उसके बाद में फिर से एक जो है बैरक अपग्रेड पे डाल दूंगा। और यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये इन्फर्नो टावर को अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको यहाँ पे पता है 4 डेज ये अपग्रेड करना बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, नॉट स्मार्ट, तो ये वाली मैं डालना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे 5 डेज लग रहा है, 10 डेज का जो काम है वो 5 डेज में हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये अपग्रेड में जाएगा बैम। तो लिटरली सारे अपग्रेड्स मैंने डाल दिए हैं, तो होप श्योर ठीक होगा सब कुछ, और वहाँ पे बिल्डर फ्री होने वाले हैं फिर से, एक बिल्डर फ्री होगा 5 आवर्स के बाद, और एक बिल्डर फ्री होगा 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे फिर से इस वाली सीरीज़ के साथ। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही था, होप श्योर आपको अच्छा लगा होगा, तो फीडबैक ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज यूजुअल गाइज जय हिंद।